नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट वर्ल्ड में। दोस्तों देखिए, कमेंट वाली सीरीज काफी बढ़िया जो है यहाँ पर जा रही है और आप लोग भी काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट जो है हमें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरी भी कोशिश रहती है कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द मैं रिप्लाई कर सकूं। बाकी दोस्तों देखिए, आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्ट प्लान हो, रेगुलर प्लान हो, SIP से रिलेटेड कोई डाउट हो, लमसम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो, तो आप बेझिझक जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। देखिए हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है, देखिए वो ₹1,000 की SIP को करना चाहते हैं, ₹1,000 प्रति महीना वो किसी ना किसी एक फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लगभग 10 से 15 सालों के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा फंड उनके लिए बेहतर हो सकता है और कितना बढ़िया वो प्रॉफिट फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको काफी आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी SIP का अमाउंट लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर प्रति महीना इन्वेस्ट होगी, ₹1,000 प्रति महीना। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं फंड की। देखिए यहाँ पर मैं इनके लिए फंड लेकर चला हूँ, SBI का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके थोड़े एनालिसिस की, सबसे पहले हम यहाँ पर फंड का नाम लिख लेते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस फंड के थोड़े एनालिसिस की, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके फंड साइज की, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 23,717 करोड़ रुपए का। वहीं अगर मैं बात करूं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.69% का। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके एग्जिट लोड की, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1% का। देखिए वैल्यू रिसर्च रेटिंग के हिसाब से ये फंड हमें 3-स्टार रेटिंग वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस फंड में मिनिमम अपनी SIP शुरू कर सकते हैं मात्र ₹500 से। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस फंड के होल्डिंग्स की कि कैसा इसका हमें यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिलता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले स्मॉल कैप की, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 83.64% का। वहीं अगर बात करें यहाँ पर मिड कैप की, तो मिड कैप में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 10.94% का। वहीं दोस्तों लार्ज कैप में हमें यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर एसेट एलोकेशन की इस फंड की, तो जो आपका पैसा यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा वो यहाँ पर किया जाएगा 94.6% का। देखिए दोस्तों अगर रिस्कोमीटर के हिसाब से बात करें, तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी वाला यहाँ पर हमें ये फंड देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो आपका पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की, तो यहाँ पर सर्विसेज, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, काफी बढ़िया हमें यहाँ पर इस फंड के टॉप सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस फंड के पास्ट के रिटर्न्स की कि कैसे हमें इस फंड के यहाँ पर पास्ट के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न्स की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा इस फंड के पास्ट के 3 ईयर रिटर्न्स की, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 26.05% की। वहीं दोस्तों अगर बात करें 5 ईयर रिटर्न्स की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 25.26% के। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इस फंड के ऑल ओवर रिटर्न्स की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 25.96% के। काफी बढ़िया हमें यहाँ पर इस फंड के ऑल ओवर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था इस फंड का पूरा ही एक ओवरव्यू। देखिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ फंड साइज की, तो किसी भी फंड का फंड साइज हमें ये बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो की, देखिए ये एक एनुअली मेंटेनेंस चार्ज होता है जो किसी भी फंड मैनेजर द्वारा उस फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, देखिए तय समय सीमा से पहले अगर आप अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का चार्ज देना होगा।
तो दोस्तों अब एक कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि अगर इस SIP को इस फंड में शुरू करा जाए तो फ्यूचर में कितनी बढ़िया वेल्थ यहाँ से क्रिएट करके देगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो SIP का अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1,000 रुपए प्रति महीना की। बात करेंगे रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा 20% की। देखिए मैं रिटर्न्स यहाँ पर थोड़े कम ही लेकर चलूंगा, ऑल ओवर रिटर्न्स के मुकाबले मैं यहाँ पर सिर्फ 20% के रिटर्न्स लेकर चलूंगा। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे भी ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन जस्ट फॉर अ सेफ साइड मैं यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम ही लेकर चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखिए यहाँ पर हम दो ड्यूरेशन लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 10 ईयर्स की ड्यूरेशन। देखिए अगर बात करें यहाँ पर 10 साल की, तो जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 1.2 लाख का, और जो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा इन 10 सालों में वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 3.82 लाख का। लगभग 380,000 रुपए का आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दें, मान लीजिए आप यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करें, तो जो आपका यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 1.8 लाख का, और जो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 11.34 लाख का। लगभग 11 लाख रुपए का यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर ये सज्जन 1,000 रुपए की जो SIP है, मान लेते हैं अगर ये इसमें 10% का स्टेप अप लगा दें, हर साल जो है इस SIP में 10% इंक्रीज कर दें, तो देखिए जो यहाँ पर इनका पैसा बनेगा, मान लेते हैं 10 साल के लिए ड्यूरेशन को हम यहाँ पर 10 साल रख लेते हैं, और रिटर्न्स भी हम यहाँ पर 20% के रख लेते हैं। अगर वो यहाँ पर 10% का स्टेप अप लगाते हैं, तो जो उनका अमाउंट 10 सालों बाद बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 8.4 लाख का, और जो उनका अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 4.7 लाख का। तो काफी बढ़िया वो यहाँ पर एक अपना अमाउंट 10 सालों में बना सकते हैं, अगर एक 10% के स्टेप अप को वो इस अपनी SIP में यूज कर ले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी, वीडियो आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।